अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो हेलो, मेरा नाम है खुशबू शर्मा एंड आज की वीडियो है प्रियंका चोपड़ा का उबटन। मैं एक्साइटेड हूँ ट्राई करने के लिए क्योंकि मैं आटा एंड और भी बहुत अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं तो हम ट्राई करेंगे। एंड मैंने अनन्या पांडे का भी ट्राई किया था, आई होप आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ये रही वो वीडियो एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, आप इसके बाद जाके देख लें। करते हैं इस वीडियो का स्टार्ट। ये रहा वो उबटन। तो इसके लिए हमें चाहिए एक चम्मच आटा, फिर चाहिए थोड़ा सा टर्मरिक, ज़्यादा टर्मरिक मत डालना, मुझसे ज़्यादा डल गया था। फिर हमें चाहिए एक चम्मच योगर्ट एंड फिर हमें चाहिए 2 स्पून रोज़ वाटर। इसमें प्रियंका चोपड़ा ने अपने उबटन में थोड़ा सा लेमन जूस भी डाला था बट मैं वो नहीं डालूंगी। आप डाल सकते हो अगर आपको डालना है तो, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैं लेमन जूस नहीं डाल सकती। तो ये चारों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करो एंड अब हम ट्राई करते हैं अपना उबटन। जिस तरीके से मैंने हल्दी डाली है ना, मुझे नहीं लगता आज ये पीला कलर जाएगा। मैं आपको मिलती हूँ 10 मिनट बाद। 2 hours later पता नहीं क्यों इस उबटन को लगाने के बाद में मुझे ठंडा ठंडा फील हो रहा है, शायद इसमें रोज़ वाटर है इसलिए। चलो ये ऑलमोस्ट सूख चुका है तो मैं इसको वॉश करके आती हूँ। ये है आफ्टर वॉश, मुझे लगा थोड़ा पीला पीला दिखेगा फेस लेकिन ठीक है। इसको लगाने के बाद ना सच में मुझे फ्रेश और ठंडा ठंडा फील हो रहा है, एकदम हाइड्रेटिंग। ये नॉर्मल जो हम लोग उबटन लगाते हैं ना बेसन और हल्दी और ये सब डाल के, वो थोड़ा अलग फील देता है लेकिन ये वाला थोड़ा अलग फील देता है। पता नहीं, मुझे तो पसंद आया, आप भी ज़रूर ट्राई करना। एंड अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो एक लाइक तो बनता है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं आगे भी और जब वीडियो लाऊँ ना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पे भी आती हूँ। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।